I can't tell you how much fun I've had today. Sheer entertainment with the entertainer number one. They're a great couple, Govinda Hucha and his wife Sunita. You know him as Govinda. Hi, Govinda ji. Hi. Namaste. It's wonderful to have you here. Thank you. Thank you. It's my pleasure. I must tell you something. You know, when I told some friends that Govinda ji is coming to see me at 5 o'clock today, तो उन्होंने कहा कि अच्छा 5 बजे आ रहे हैं तब तो इंतजार करिए 10 तो बज जाएंगे but you're here on the dot of 5 and I have to thank you for that. Thank you very much. You have been a huge star ever since you came into films in 1986. जी. You've done 125 yeah, films. 125 films. You've seen a lot of success. Yeah, by the grace of God. And you've seen a lot of struggle. Yeah, I have seen struggle also. अगर तोला जाए तो कौन सा पलड़ा भारी है? मुझे लगता है कि मेरे स्ट्रगल का पलड़ा बहुत ज़्यादा भारी रहा. अच्छा. सिमी जी, जब आदमी अपने लिए स्ट्रगल करता है और अपने साथ करता है ना, तो वो स्ट्रगल का पीरियड बड़ा छोटा होता है. लेकिन जब आप जिसका भला चाहते हैं उसके लिए स्ट्रगल करें, तो उसका जो इंतज़ार होता है वो इंतज़ार आदमी को बहुत तकलीफ़ देता है. मैं बहुत छोटा सा था और मैं कुछ कर सकता नहीं था. और मेरी मम्मी जो हैं वो बहुत रिनोन्ड क्लासिकल आर्टिस्ट हैं. निर्मला देवी जी, वेरी वेल नोन, रिस्पेक्टेड. लेकिन आपके फादर एक एक्टर थे, अरुण आहूजा. जी, राइट. उन्होंने कितनी फिल्मों में काम किया? उन्होंने लगभग 40 फिल्मों में काम किया. काफ़ी फिल्मों में. 40. अच्छा, तो फिर उन्होंने बाद एक फिल्म बनाई थी. प्रोड्यूस फिल्म नहीं चली मेरे डैडी की. और सारे पैसे उसमें काफ़ी डूब गए पैसे. लेकिन ये सच है कि आप उनका एक बंगला था बांद्रा कार्टर रोड पे. तो फिर आफ्टर द फिल्म फ्लॉप्ड देन फ्रॉम कार्टर रोड यू द फैमिली हैड टू मूव टू विरार. दैट्स व्हेन द हार्ड टाइम्स बिगन. हां, और मैं उस हार्ड टाइम में ही पैदा हुआ. और योर फादर वाजंट वर्किंग एट दैट टाइम. आई थिंक विद फेलियर ही वाज वेरी शेकन, यू नो, एंड देन ही कुडंट टेक इट. तो उससे गुजरा पूरा परिवार एक तकलीफ से. You're a commerce graduate. Yeah, I'm a commerce. Yeah? I used to go office to office and all, meet people. And Taj mein bhi gaye. Yeah, you applied to be a steward, I think, in the Taj. Yeah, I wanted to be, and I didn't get the job because interview said, yeah, I couldn't speak English, and I couldn't speak only in front of them. They said that he's not confident. He kaise baat karega? But then wo baat hui nahi fir. Govinda ji, you said that it was your anger at seeing the struggle of your mother that made you a star. Yeah, sometimes with somebody, when you get to know that somebody's struggling, yeah, somebody's struggling to get through the bad patch of life and struggling very hard and alone, and especially a woman. That's true. And especially a mother. And a mother. Yeah. And 6 children and one mother, and trying to cope up with everything, keeping her dignity, the dignity of the family, getting 4 daughters married, it's very difficult. अनेक ऐसी बातें हुई कि जो चुभती थी, लगती थी. So I've seen her getting through all this. And you wanted to change it. So fast, so fast. तो एक चीज जो मुझे बहुत चुभी थी, एक बार मम्मी को छोड़ने के लिए मैं यहाँ का खार स्टेशन पे गया. काफी उम्र हो गई थी उनकी. लेडीज डिपार्टमेंट में भी औरतें बहुत, वो भी सब लटकी उटकी रहती हैं. तो शी यूज्ड टू से बेटा मुझे अंदर ले लो प्लीज़. तो एक ट्रेन चलेगी, तो ऐसी हमारी 5 ट्रेन छूट गई. तो मम्मी की टिपिकल आदत थी, हाँ ये भी छूट गई, बड़ा कठिन हो गया है चीची आजकल. तो मैं रोने लगा और मुझे गुस्सा आ गया बहुत ज़्यादा. मैं बोला आप 10 मिनट रुकी यहीं पर. तो जूता उतारा मैंने और मैं दौड़ा, और मैं दौड़ के मैं 15th रोड पे आया खार. मैं अपने मामा जी से कहा कि मुझे आप तुरंत तभी इसी वक्त पैसा दीजिए, मुझे फर्स्ट क्लास का पास लेना है मम्मी के लिए. मेरी आँख में जलाल देखा जब, तो तुरंत ला के दिया मुझे पैसा दिया. तो मैं वहाँ से फिर भागा. मैंने मम्मी का फर्स्ट क्लास का पास बनाया. और उस दिन से जो मैं बिगड़ा हूँ मतलब कि जो सुधरा हूँ कि फिर मैंने समय नहीं देखा. फिर मैंने सोचा कि मैं एक तार हूँ और इसको मैं झंझना दूँ जितनी तेज़ और जितना बेहोश झंझना जा सके. और उसी जनून में फिर मैंने ये नहीं देखा कि मैं कितनी बिचड़े कर रहा हूँ, कौन मुझे गाली दे रहा है और कौन मुझे प्यार कर रहा है, और कौन मुझे ये बोल रहा है कि नहीं गोविंदा तुम्हें कम फिल्में करनी चाहिए. डिडंट मैटर, इट डिडंट मैटर टू मी. और मैं जो मुझे बनना था वो मैं बन रहा था.
But Govinda ji, aap bahut khushkismat hain because you had the opportunity in your life to fulfill your mother's wishes and your mother's dreams. Bilkul. Main sochta hoon ki main hero wahan hoon. Kam logon ko aise mauke milte hain. Bilkul, bilkul sahi kaha aap. Aapki mummy ne aapka pura success bhi dekh liya tha. Bada aashirwad, loota hai maine aashirwad. Har mauke, har halaat mein loota hai aashirwad. Bahut hi satta chhoot, mujhe is baat ki satisfaction hoti hai kabhi kabhi ke जुआड़ियों की तरह लूटा है, कोई मौका नहीं छोड़ा। Sunita, I am so happy to have you here. Thank you very much, Simi ji. You hardly ever give interviews, do you? No, I don't. Is it his wish or your wish? No, it's not his wish nor mine. I like to see his stardom. I enjoy that more. Okay. You are from Nepal. Yeah, my mom is from Nepal and dad is from Punjab. And your elder sister was married to his mama. Right. His uncle. Yeah. How did you both get on? He used to stay at my GIG's place while he was struggling. Hmm. And I used to keep on going to my sister's place. And I used to never think that I'll ever get married to him because we used to fight like cats and dogs. I used to never think. मैं इतना देसी था और मुझे इतना देसी पना पसंद मतलब इतना पसंद था कि मुझे थोड़ा सा भी कोई ऐसा तेज तर्रार आदमी नजर आए तो मुझे ऐसा हो जाता था कि और मुझे तेज हाँ सुनीता बड़ी तेज लगती थी मुझे हाथ में कुत्ता स्कर्ट वर्ट पहन के हाथ में कुत्ता लेकर यू नो एक टिपिकल और चिंगम खाते हुए मैं ये सीधे बात नहीं करती चिंगम खा के बात करती रहती रहती कहते थे और ये बड़ी स्टाइल में लाती थी ची ची तो मैं बोला वो तुम कुत्ते को और ऐसे ऐसे बुलाती हो ये स्टाइल में क्या ये ठीक तुम्हारा ठीक नहीं है ये तो अपना लहजा चेंज करो थोड़ा सा और थोड़ी जिंदगी भी ठीक करो अपनी We were totally contrast, you can say. Yeah. He was a pure villager and I am from a convent school. So I used to never think also that I'm going to get married to him. But what did you fight about? Nonsense, ऐसी कुछ ना कुछ बातें ले लेकर झगड़ा कर लेते थे actually अंदर अंदर थोड़ा एक दूसरे को चाहते थे बहाना चाहिए था We were both of us were very fond of dancing. So my GI used to always keep competitions. कि जो अच्छा डांस करेगा उसको 50 रुपए मिलेगा 100 रुपए सो आई टू ऑलवेज से व्हाट हील डांस इज कमिंग ऑल द फ्रॉम विरार यू सी व्हाट आई डांस सो ही सेड यू कैन नॉट डांस बेटर देन मी आई सेड नो आई कैन डांस बट वी यूज्ड टू गेट इक्वल मनी एंड वी यूज्ड टू परफॉर्म इक्वली गुड शी यूज्ड टू सिंग ऑन दैट नंबर एक अनिता राज जी का एक गाड़ी के नीचे जाके गाना जब भी कोई झगड़ा होगा तो पहला गाना लगा देती थी राजा तेरे रास्ते से हट जाऊंगी पटाया जो भी है But you said that it was a half love, half arranged marriage. जी सो विच केम फर्स्ट द अरेंजमेंट और द लव 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 मैरिज हाउ डिड इट कम अ लेटर इज अ पॉट लेटर अच्छा लिखते थे या माय ब्रदर वाज अ पोस्टमैन आई यूज्ड टू सेंड लेटर्स टू हिम सो जस्ट गो एंड गिव इट टू चिची यार आई वांट टू मीट हिम व्हेन आई बिफोर गोइंग टू बिफोर गोइंग टू ट्यूशंस सो ही यूज्ड टू कीप ऑन स्टैंडिंग डाउन विद दैट हिज हैड अ ही हैड अ मारुति सो आई यूज्ड टू जस्ट वेट एट द बालकनी व्हेन इज ही कमिंग एंड व्हेन आई विल गो डाउन So he used to give the letters, and my mother caught the letter once, and she kept. क्या लिखा था उसमें? That I want to get married to you as early as possible. हमारी पिक्चर का मोहलत था तन मदन फिल्म का
मोहन स्टूडियो से हम खा आ रहे थे वो अभी तक हम दोनों के बीच में लड़ाई चलती रहती है कि पहले किसने किसका हाथ पकड़ लिया तो मेरे जो साले हैं वो बीच में बैठे हुए थे और मैंने ही पीछे से हाथ रख दिया तो इनका भी हाथ पीछे की तरफ था तो हाथ से हाथ लग गया तो मैंने सोचा हाथ लगा हुआ ये हाथ हटा नहीं रही है इसका मतलब ये चाह रही है कि मैं हाथ पकड़ लूँ हाथ हटा नहीं रही है भैया तो मैंने सोचा कि हाथ पड़ा है तो पड़ा रहे देखिए क्या होता है तो बहुत देर तक इन्होंने हाथ नहीं हटाया फिर अपना थोड़ी देर के बाद में मुझे लगता है दोनों से ही बर्दाश्त नहीं हुआ तो दोनों ने हाथ पकड़ लिया तो जो पकड़ा है तो पकड़ा ही है स्वीट यू वर सिलेक्टेड बाय हिज मदर राइट शी इज टू लाइक सुनीता लॉट एंड मम्मी इज टू से तुम मेरा भरोसा करो और तुम इसी से शादी करो अच्छा ठीक बट यू गॉट मैरिड सीक्रेटली हाँ उस जमाने में कुछ लोगों ने मुझे इस तरह से डरा दिया था कि जैसे ही तुम्हारा अभी तुम देखो लड़कियां इतना तुमको लेटर्स लिखती हैं कितना तुमको प्यार करती हैं मेरा इमेज ना छूट जाए और एक फैन फॉलोइंग बनी रहे एंड ऑल पड़ता है फर्क मुझे नहीं लगता नहीं इट वाज मोर ऑफ अ माय मिस्टेक एक्चुअली इट वाज योर मिस्टेक तो कब तक आपने छुपाई रखी ये बात हाउ मेनी इयर्स या टिल माय डॉटर वाज बॉर्न दैट्स 1 ईयर एक साल एंड इन दैट 1 ईयर यू डिडंट गो आउट एनीवेयर टुगेदर हार्डली And if anybody asked you, what would you say? अरे बाप रे मैं बहुत भाग जाता था इधर उधर जाता था और मुझे ऐसा लगता था कि किसी का भेजा हुआ है और ये मेरा करियर सबोटेज कर देगा और उस वक्त तो जो जैसे करियर जो एक मेरी गुड़िया बन गई थी और मुझे ऐसा था कि कोई हर जो आया है ये कहीं गुड़िया छून ना ले मुझसे तो मुझे ऐसा लगता था अरे ऐसा करूँगा तो करियर खराब हो जाएगा बट आपको कभी बुरा नहीं लगा नहीं उसको लगता था सुनीता में एक अच्छी खूबी रही है वो मेरी मदर हमेशा बोलती थी कि चंद लोगों को दुख खाता है और चंद लोग दुख को खा जाते हैं तो सहजाना भी एक कला होती है अच्छे तरह से निभाना तो उसने अच्छे से निभाया तो फिर लड़की पास हो गई व्हाट इज गोविंदा लाइक एट होम He's really a simple man. Always he'll keep on making my kids laugh. The kids are all like, Papa is doing this, Papa is doing that. And whenever he'll see my mood is a little bit upset, so he'll start playing with me Set also. Set कर देता हूँ. कैसे करते हैं? ज़िंदगी भी एक साज़ की तरह होती है, जिसके सुर मिलाने होते हैं. आपने कभी देखा होगा क्लासिकल प्रोग्राम होता है तो तीन चार लोग टंग 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 सारे सब लोग तार ठीक कर रहे होते हैं तो हम लोग बोलते थे कि अभी ये आधा घंटा चलेगा यार इट्स सो बोरिंग कि एक घंटा तक टंग 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 चलेगा मम्मी को मम्मी बोलती थी जिंदगी ऐसी होती है सुर मिलाना भी एक कला है ट्रू डू हिज करियर्स अप्स एंड डाउन्स एवर गेट टू हिम नो ही इज ऑलवेज नॉर्मल आई हैव नेवर सीन हिम डू दैट नन ऑफ अस मगर अगर पिक्चर अच्छी नहीं चले कभी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता रियली आई थॉट यू वुड गेट अफेक्टेड बट यू डोंट गेट अफेक्टेड नहीं मुझे तो इसी बात की खुशी है कि मैं फिल्मों में हूँ क्या होता है बहुत अच्छी बात एक बार कही मेरी मम्मी ने मुझे मुझे कहा कि 100 करोड़ की आबादी में 100 हीरो नहीं है सही बात 100 करोड़ की आबादी में 10 हीरो हैं 10 में तुम एक हो और फिर तुम परेशान हो ये तो बहुत बड़ी परेशानी की बात है इतना भी ज्यादा एम्बिशियस होना नहीं चाहिए आदमी को कि ऐसा लगे कि भैया पता नहीं क्या दुनिया खाएगा क्या भैया बट इसी तो रोमांटिक टाइप नहीं 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 हिमसेल्फ इज सेइंग नहीं सम टाइम्स वंस ऑन माय बर्थडे दैट वाज द फर्स्ट टाइम वी हैड शैंपेन वी सेड दैट वी लेट्स गो एंड हैव अ कैंडल एट डिनर एट ताज स्वीट सो वी डिडंट टेल आवर मदर इन लॉ एंड आई गॉट सो इमोशनल सीइंग एवरीबॉडी देयर And then we danced. And I gave all money and I said, "Kiyar, chalo naashte hain saath mein." We went up, we sat, we said, "Let's have champagne today." So I said, "Yeah, let's have something new." So he ordered for one, we sipped one. And I rang mummy. Mummy, piyo ki nahi piyo? Acha, tum piyoge? आदत तो बहुत बुरी है तुम्हें एंजॉय करना है तुम एंजॉय करो फिर शैंपेन खुली फिर इसके बाद और इनका एक लुक था पूछा है अपनी मम्मी से एंड देन यू डांस एंड वी डांस्ड एंड दैट हैंगओवर वाज स्टिल 1 वीक रियली एंजॉयड दैट हैंगओवर
वो एक्चुअली फर्स्ट टाइम हमने ऐसे एंजॉय किया ना और बहुत समय बाद किया सो ही इज ओके सो वी वोंट एक्सेप्ट दैट यू आर राइट आई एम ओके आई एम फाइन फीलिंग बेटर Is he like this at home? All the time he's like that. बहुत fun आप मुझे अपने घर पे बुलाइए. अरे आप जरूर आइए. If you're like this, I'd love to spend time with please, you. Please. Acha, tell me, do you still fight a lot? No, not about dancing, but about other things. Kabhi chagra nahi karte? Thoda bahut. Not really, Labu. Where we fight? Kab hua? Cover kar rahi hai. Nahi, nahi. Nahi, hamara kya hota hai? Hamara kya hota hai? Hamara kya hota hai? Cover kar rahi hai. एक दिन भी पूरा चलता है झगड़ा नहीं कभी नहीं हमारा स्टे नहीं करता झगड़ा झगड़े का मेन कारण होता था समय ना होना है ना आई थॉट सो फिर आप व्हाट डिड यू डू देन आई शुड नॉट गो ओनली आउट आई शुड से नो यू ओनली गो आई विल नॉट गो विद यू लाफिंग अबाउट इट हां ठीक है क्या करें ना आई थिंक यू आर अ वेरी पेशेंट पर्सन एम आई राइट ओडी इज शी वेरी पेशेंट पेशेंट हो गई शादी करके शादी करके बिकम अ पेशेंट फर्स्ट टाइम गॉट मैरिड पेशेंस दोनों का बहुत स्ट्रांग है इसी तरह से चल रही है गाड़ी Your mother was very right in choosing her. Mm-hmm. She's very good natured. हाँ. कोई और बीवी होती and you were always late. मैंने बहुत सहा इन्होंने और बहुत कुछ कहा भी कहा तो कुछ नहीं अभी तक नहीं कहा ना ये मौका है कहने का समझ लो धोखा है अच्छा tell me do you ever fight about his name coming in gossip columns I always buy magazines to read With whom latest is having an affair, and always I'm so sad कि कोई latest with whom नहीं है। ये बहुत मजाक करती हैं आजकल। शुरू में wives के चार reactions होते हैं। पहला reaction होता है, आ गए? ले भैया काम करके आ रहे। कौन सा काम? तो यहाँ से शुरुआत होती है। फिर 5 साल बीत जाते हैं। आया है हाँ छपा हुआ देखो कुछ उसमें आया है फिर और 5 साल बीतते हैं छपा फिर से छोड़ जाना तो क्या होता रहता है छोड़ जाना तो ये सब छपता रहता है She's on this stage? हाँ, नहीं तो फोर्थ स्टेज में है कुछ छप नहीं रहा Oh, stop it. Nonsense. I'm trying to read something new. Not getting it now. मैंने बोला इनको मैंने कि ये हो क्या रहा है मैं मान नहीं सकती रियली आस्किन इतना बहुत इट्स समथिंग वेरी एम्बैरेसिंग गोविंदा जी कुछ तो करना चाहिए आपको लेकिन बताना नहीं चाहिए मुंह से घर वापस जाते हैं ऐसा लगता है कि अच्छा एक्टर होता जा रहा हूँ मैं दिन दिन सी गॉट द पॉइंट शायद पकड़े नहीं जा रहे हैं ये सब तो मैं नहीं कह सकता तो ऑब्वियसली आपको कभी कभी टेंशन नहीं हुआ शुरू में भी नहीं हुआ नो नेवर बिकॉज़ आई नो ही इज वेरी मच ऑफ अ फैमिली मैन ना ही इज वेरी फॉन्ड ऑफ हिज किड्स इज फॉन्ड ऑफ मी इज फॉन्ड ऑफ मदर आई होप आई एम सेइंग द ट्रुथ ना बेचारी इसे सी बेचारी व्हाट अ टेरिबल जी ये रिएक्शन उल्टा भी हो सकता है देखो इट्स बी केयरफुल आर्टिस्ट की एक आर्टिस्ट के परिवार को ऐसा ही होना चाहिए अगर देखिए जैसे मान लीजिए कि ये पानी है इस तरफ और ये थमा हुआ पानी है गहरा भी है लेकिन अगर कोई उसमें हाथ डाल के यूं इस तरह से हिला दे
और अपना हाथ निकाल के पोंछ के चला जाए तो बहुत देर तक पानी हिलता रहेगा और उसके नीचे थमी हुई मिट्टी जो है उस पूरे पानी को गंदा कर देगी. फिर उस मिट्टी को दबने के लिए बहुत समय लगेगा. और ये वो फिलॉसफी जो झक मार के इस्तेमाल करने बोलते हैं जिसको, वरना तो इतने लोग आपके जीवन में आके हाथ डाल देते हैं. सही बात. बट गोविंदा जी, यू वर्क विद सो मेनी अट्रैक्टिव गर्ल्स, यू नेवर अट्रैक्टेड टू देम? नहीं, ये तो बहुत ही कठिन प्रश्न सवाल पूछा है आपने और इसका सीधा सीधा जवाब आपको जिंदगी में नहीं मिल सकता. मगर आपका पूरा सम्मान रखते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि मैं बहुत तमीज़दार और अच्छा लड़का हूँ. अच्छा, और जब लड़कियां दे थ्रो देमसेल्व्स एट यू, फिर आप क्या करते हैं? मैं कुछ नहीं करता, मैं एकदम बिल्कुल सीधे और शरीफ बच्चे की तरह घर शाम को लौट आता. That's so nice. Sunita, I'm so happy that you're laughing she about this. She said so nice, like, you know, that was a big lie. Of course it was. But it was. But Sunita, it's amazing. Really, I'm amazed to meet somebody like you. It's a lesson to people. Wonderful. You've got teenage children now. What kind of a father is he? He's very protective, a little bit strict. Possessive. Yeah. मुझे बड़ा एक्चुअली शौक रहा कि कुछ मेरे कुछ 6-7 बच्चे हों और कुछ सर पे एक और इधर कुछ एक इधर और एक रोए दूसरा डांटे तीसरे को मैं डांटूं, यू नो. टेल मी समथिंग, यू बीन मैरिड 18 इयर्स, व्हाट हैज बीन द बेस्ट थिंग अबाउट बीइंग मैरिड टू गोविंदा? बेसिकली इज अ वेरी गुड मैन, ही नेवर लाइज. Like, don't laugh, otherwise I'll speak the truth. You mean you have not been? No, she said it. You have not been speaking the truth. Sunita? No. I have really spoken the truth. No. मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी. नहीं, ऐसा कुछ नहीं. No, he's a really good husband. I'm not lying. Why did you say otherwise? I'll speak the truth. No, I was just pulling his leg. I was remembering my old days. I told you. I know he's a very good husband. Yeah. And I'm very lucky to have a husband like him. अच्छा, आप दोनों साथ में नहीं गाते? No, I don't sing. नहीं, गाती नहीं. She doesn't sing at all. Two lines. मत ही गाना, प्रोग्राम रात में आता है, बच्चे रोते हैं. क्या बात, क्या कहा? बच्चे रोएंगे, प्रोग्राम रात में आता है. How mean. So mean. ये प्रोग्राम का टाइमिंग ऐसा है? मैं अस्पताल हूँ. सॉरी. Stop it now. You don't tell me to sing. It's enough, more than enough. He's gonna stop it now. Please, don't sing. For God's sake. She, I'm not such a bad singer. Yeah, come on now. बेचारे पेशेंट होते हैं, वो भी प्रोग्राम देखते हैं. कहीं गाना सुन के कोई हार्ट का कमजोर आदमी हो, मुझसे हार्ट अटैक आ जा रहा है. नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं. हो सकता है जी जाए. मैं क्या करूँ. हाय राम जी, आंसू आ गए आपको. एनी चांस आफ्टर दिस? Okay, all right. Your favorite song. अच्छा, मैं आपको मेरा जो favorite romantic number है वो आपको सुनाता हूँ. आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है. आपके हसीन रुख पे आ...